पश्चिम बंगाल के सबसे प्रोग्रेसिव शहरों में से एक दुर्गापुर से मैं देश के मध्यम वर्ग को, हमारे युवाओं को मैं इस शानदार बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबका साथ सबका विकास क्या होता है वो इस बजट में दिखता है। इसमें किसान हो, श्रमिक हो या फिर मध्यम वर्ग, हर किसी के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। साथियों, देश में एक लंबे समय से एक मांग उठ रही थी, हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्ति मिल जाए। इस मांग को पूरा करने का काम, इतने सालों की पुरानी मांग अगर किसी ने पूरी की है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की दिल्ली की सरकार ने की। इस बजट में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 लाख रुपए तक की आय पाने वालों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। और मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अभी तो ये ट्रेलर है, क्योंकि ये तो अंतरिम बजट था। चुनाव के बाद जो आम बजट हम लेकर के आएंगे उसमें नए भारत के नए रास्ते की एक तस्वीर को हम साफ करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथियों, सरकार के इस एक फैसले से देश के 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्गीय करदाताओं को सीधा लाभ होगा, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग, और जिसमें विशेष तौर पर हमारे युवा हैं जो अपने कैरियर की शुरुआती दौर में हैं, इनको इससे बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। अब उनके पास अपने कैरियर की शुरुआत में फ्यूचर के लिए, अपने घर के लिए, घर के सामान के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी। साथियों, इसमें सीधे तौर पर टैक्स में छूट तो मिली ही है, इसके अलावा भी टैक्स कम करने के लिए छूट बढ़ाई गई है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई है। साथियों, अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को नौकरी हो, बच्चों की शिक्षा हो या फिर वृद्ध माता पिता की देखभाल, अलग अलग तरह के व्यक्तिगत कारणों से 2 घर रखने पड़ते हैं। कई बार बड़े शहरों में लोग इसलिए भी घर खरीदते हैं कि जब बेटी या बेटा उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए उस शहर में जाएगा तो अपने ही घर में रहेगा। ऐसे में सरकार ने अब तय किया है कि दूसरे घर के नॉमिनल किराए पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स अब नहीं लगेगा, यानी अब बिना दूसरे घर की रेंटल इनकम पर टैक्स की चिंता किए बिना आप अपना दूसरा घर खरीद पाएंगे। इसी तरह जो लोग अपना घर बेच रहे हैं और घर बेचने के बाद उन्हें 2 करोड़ से कम रुपए मिले हैं, और ऐसे लोग अगर 2 अलग अलग छोटे घरों में वही पैसा निवेश करते हैं तो भी उन्हें आयकर से अब मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी दे दी जाएगी।
हमारी आज की सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन रही है कि माता पिता अक्सर ये सोचते हैं कि अपना एक बड़ा घर बेच के दो बच्चों के लिए दो छोटे छोटे दो घर खरीद ले। पहले उन्हें इसके लिए टैक्स देना पड़ता था, अब हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनको इसके लिए अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्यम वर्ग के मेरे भाई और बहनों के लिए और आय का एक बहुत बड़ा जरिया रेंटल इनकम भी होता है। अब सरकार ने यह भी तय किया है कि किराए से जो आमदनी हो रही है उस पर टैक्स कटौती की सीमा को भी 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया जाए। बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए पैसों के ऊपर मिलने वाले ब्याज पर अभी तक 10,000 रुपए तक की राशि पर टीडीएस की छूट होती थी। मध्यम वर्ग खासकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये राशि अब बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। साथियों, इस बार बजट में जो ऐलान हुए हैं ये बीते 4.5 वर्ष से चले आ रहे हमारे प्रयासों का विस्तार है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि पहले की सरकार के दौरान जहां महंगाई दर 10% के आसपास रहती थी वो बीते 4.5 वर्ष में 4% के आसपास आकर के रुक गई है। हर महीने जो मोबाइल और इंटरनेट का बिल हर परिवार का हजारों में आता था वो अब कुछ 100 रुपयों तक सिमट गया है। एलईडी बल्ब सस्ते होने से हर वर्ष मिडिल क्लास के बिजली के बिल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही है। 50,000 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। हार्ट के स्टेंट, नी सर्जरी और डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों की दवाइयों की कीमत बहुत कम होने से मिडिल क्लास को हजारों रुपयों की बचत हो रही है।